जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कीर्तन जोर जोर से होता है और इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक महत्व है, परंतु कीर्तन जितना ही उच्च स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का संबंध है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एक तानता करनी पड़ती है। कीर्तन के कई प्रकार हैं। पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा था। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम और जन्म नाम और संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र के किसी कथा भाग का गान करना और बीच बीच में नाम कीर्तन करना। कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान नाम गान करना। अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं। जब मनुष्य किसी दुख से घबराकर, जगत के सहायकों से निराश होकर भगवान से आश्रय याचना करता हुआ जोर से उनका नाम लेकर पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुकूल स्वरूप धारण कर उसे दर्शन देते हैं और दुख दूर करते हैं। श्री भगवान ने राम अवतार और कृष्ण अवतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले आर्त स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्रा देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केश पकड़कर लाई जाती है, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है, उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं थी कि इस बड़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन सचमुच वस्त्र खींचने लगा तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर पांच पतियों की सहायता चाहती है। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता तब वह सबसे निराश हो जाती है। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुआ करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरी नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी, पृथ्वी के सबसे बड़े पांच वीरों द्वारा रक्षित कुल रमणी, रजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीर पतियों के सामने नंगी की जाती हूँ, उस समय उसको कितनी मर्म वेदना होती है, इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम शायद कुछ कल्पना करें। खैर, द्रौपदी ने निराश होकर भगवान को स्मरण किया और व्याकुल होकर पुकार उठी कि गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे द्वारकावासी गोविंद, हे गोपी जनप्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता? हे नाथ, रमानाथ, ब्रजनाथ, दुख नाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार कर। हे विश्वात्मा विश्व भावन श्री कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाली मुझको तू बचा। व्याकुलता पूर्वक नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है। व्याकुलता पूर्वक नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है। जब सबकी आशा छोड़कर कोई भगवान को पुकारता है तब करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकता। उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है।
नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्रों में भगवान आ घुसे, वस्त्रों का अवतार हो गया, वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी कि 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। सूरदास जी कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, साड़ी का छोर न आया। एक कवि तो कहते हैं, पाए अनुशासन दुशासन के कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गए भीर भारी है, भीषम करण द्रोण बैठे व्रत धारी तहां, कामिनी की ओर काहू नेक ना निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वारिका ते जदुराई, बाढ़त दुकूल खचे भुज बल भारी है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। दुशासन थक कर मुँह नीचा करके बैठ गया, द्रौपदी की लाज और उसका मान रह गया, भगवान नाम कीर्तन का फल प्रत्यक्ष हो गया। जय भगवान के पावन नाम की जय हो। इसी प्रकार गजराज की कथा प्रसिद्ध है, वहाँ भी इसी तरह व्याकुलता पूर्वक नाम की पुकार थी। यदि आज भी कोई यों ही सच्चे मन से व्याकुल होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके लोक परलोक दोनों की सिद्धि निश्चित रूपेण हो सकती है। इस बात का कई लोगों को कई तरह का प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः प्रातःकाल, सायंकाल, रात को सोते समय भगवान नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कीर्तन निष्काम एवं केवल प्रेम भाव से करना ही उचित है। यह तो व्यक्तिगत नाम कीर्तन की बात हुई। इसके बाद समुदाय में नाम कीर्तन का तरीका बतलाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत में कीर्तनकारों के अलग अलग समुदाय हैं जो हरिदास कहलाते हैं। ये लोग समय समय पर मंदिरों, धर्म सभाओं और उत्सवों के अवसर पर बुलाए जाते हैं। इनका कीर्तन बड़ा सुंदर होता है। भगवान की किसी लीला कथा को या भक्तों के किसी चरित्र को लेकर यह लोग कीर्तन करते हैं। आरंभ में किसी भक्त का कोई एक श्लोक या पद गाते हैं और उसी पर उनका सारा कीर्तन चलता है। अंत में उसी श्लोक या पद के साथ कीर्तन समाप्त किया जाता है। आरंभ में, अंत में और बीच बीच में हरि नाम की धुन लगाई जाती है, जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं। अन्य अनेक जगह इस प्रकार के कीर्तन किया करते हैं। भगवान कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। वह कीर्तन आता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका इस युग में विशेष प्रचार महाप्रभु श्री गौरांग देव जी ने किया था। इस कीर्तन का प्रकार यह है कि बहुत से लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे पीछे और सब बोलते हैं, पर आगे चलकर सभी एक साथ बोलने लगते हैं। किसी एक नाम की धुन को सब एक स्वर से बोलते हैं, ढोल, करताल, झांझ, तालियां बजाते हुए गला खोलकर लज्जा छोड़कर गाते हैं। जब धुन जम जाती है तब स्वर का ध्यान अपने आप ही छूट जाता है। कीर्तन करने वाला दल धुन में मस्त हो जाता है। फिर कीर्तन की मस्ती में नृत्य आरंभ होता है। रग रग नाचने लगती है, आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, शरीर ज्ञान नष्ट हो जाता है। नवदीप, वृंदावन, अयोध्या और पंडरपुर में ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते हैं। यह कीर्तन किसी एक स्थान में भी होता है और घूमते हुए भी होता है। मेरा विश्वास है कि ऐसे प्रेम भरे कीर्तन में कीर्तन के नायक भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद।
मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में नहीं रमता। मेरे भक्त जहाँ मिलकर मेरा गान करते हैं मैं वहीं जाता हूँ। इस प्रकार के कीर्तन में प्रेम का सागर उमड़ता है जो जगत भर को पावन कर देता है। इस कीर्तन में ब्राह्मण चांडाल सभी शामिल हो सकते हैं। जिसको प्रेम उपजा वही सम्मिलित हो गया। कोई रुकावट नहीं, जात पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई। वही बड़ा है जो वही श्रेष्ठ है जो प्रेम से नाम कीर्तन में मतवाला होकर स्वयं पावन होता है और दूसरों को पावन करता है। इस कीर्तन से एक बड़ा लाभ और होता है, हरि नाम की तुमूल ध्वनि पापी पतित पशु पक्षी तक के कानों में जाकर सबको पवित्र और पाप मुक्त करती है। जिसके श्रवण मात्र से भगवान नाम उसके हृदय के अंदर चला जाता है, उसी के पाप मल को वह धो डालता है। जिस हरि नाम कीर्तन का ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्चय ही मंदभागी हैं। जो जिह्वा को पाकर भी कीर्तनीय भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। जय श्री राधे।